विदिशा नामांकन भरने पहुंचे मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, जहां पर सीएम ने विदिशा जिले की पांचों विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करवाए। वहीं सीएम ने बुधनी विधानसभा से अरुण यादव के प्रत्याशी बनने पर कहा कि अरुण यादव कांग्रेस के वरिष्ठ सम्माननीय नेता है, हम बुधनी विधानसभा में उनका स्वागत करते हैं। आईबीएन 24 के लिए विदिशा से आशीष चौधरी की रिपोर्ट। उनको गुस्सा आता है और एक बात से और गुस्सा आता है, 15 साल हो गए भोपाल में फॉर्म भरने अपने प्रत्याशियों को, देवी मैया के दर्शन करके शुभकामनाएं देके वहां से नामांकन फॉर्म भरने भेजा, उसके बाद राजगढ़ और उसके बाद विदिशा। हमारे चुनाव अभियान का प्रारंभ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो मध्य प्रदेश जो विरासत में कांग्रेस ने बीमारू छोड़ा था, एक ऐसा मध्य प्रदेश जो अंधेरों का प्रदेश था, एक ऐसा मध्य प्रदेश जो गड्ढों का प्रदेश था, एक ऐसा मध्य प्रदेश जहाँ पानी की व्यवस्थाएं नहीं थी, उस मध्य प्रदेश को पिछले 14 सालों में आज इस स्तर पर लेके आए हैं। बीमारू राज्य से विकासशील और विकसित प्रांत के रास्ते पर बढ़ा दिया है। विदिशा जिले के संदर्भ में भी अगर आप देखें, वर्षों से हम सुनते थे बाहा बांध बनेगा, सगड़ बांध बनेगा। हमने 5 बड़े बांध यहाँ कंप्लीट किए, छोटे अनेकों बने, 1 लाख एकड़ में सिंचाई की नई व्यवस्था हुई है, सड़कों का जाल बिछा है, पुल हो, पुलिया हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, तहसील बनाना हो या विदिशा में मेडिकल कॉलेज खोलना हो, विकास के मामले में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं बना के ठीक से उनको क्रियान्वित किया है और अब हमारा संकल्प है इस विकास को और आगे बढ़ा के समृद्ध मध्य प्रदेश के निर्माण का। और इसलिए समृद्ध मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए इस बार फिर जनता से अपील कर रहे हैं कि फिर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे और विकास के कामों के आधार पर, जनता की भलाई और कल्याण के कामों के आधार पर मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी और विदिशा में पिछली बार हम 5 में से 3 सीटें जीत पाए थे, लेकिन प्रदेश का नारा 200 पार का है, विदिशा का नारा है अब की बार 500 पार। अरुण जी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ और सम्मानित नेता हैं, उनका बहुत स्वागत बुधनी विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि हम जिस संस्कृति को मानते हैं वो राजनीतिक रूप से भी अगर प्रतिपक्षी हो तो उसका भी सम्मान करते हैं। कांग्रेस की परंपरा हमारी नहीं है कि अपमानित किया जाए, उनका वहाँ स्वागत है।